अब हजरात मोहतरम आखिरी हदीस बयान करके मैं अपनी जगह ले लूँगा। आज हमारे बीच मुआशरे में, समाज में, और इससे पहले अगर मेरी बातें औरतें सुन रही है तो वो भी समाप्त करें, क्योंकि औरत माँ सिर्फ घर की माँ नहीं होती है, वो घर की प्रिंसिपल हुआ करती है। जिस घर में माँ सही है वो घर जन्नत है। और मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, इसी दरमियान नौजवानों आप भी एक मैसेज, संदेश, पैगाम लेते जाएं, अपने माँ बाप को कभी सताना मत। क्यों? माँ बाप जो है ये हमारे घर का ताज है। जिंदगी क्या है? आप अपने बच्चे को बुरा भला कहेंगे, आप अपने माँ को बाप को बुरा भला कहेंगे, तो आपकी औलाद तो देखेगा ज़रूर, औलाद देखेगा ना, तो यही सबक आप पे दोहराया जाएगा। इसलिए मुस्तफ़ा ने कहा है, बच्चों के सामने झगड़ा मत करो। और औरतें अगर आप सुन रही है तो इस पैगाम रसूल को सुने आप, और ये पैगाम रसूल है, हम बोले तो हमारी ज़बा होती है, आप बोले तो आपकी ज़बा होती है, मुस्तफ़ा बोले हदीस रसूल होती है। यही रसूल पाक का पैगाम है। जिस घर में औरतें मेकअप करने के बाद घर से निकलती है और उसके पायल की आवाज़, किसकी आवाज़, पायल की आवाज़ अगर कोई गैर महरम, गैर मर्द सुन ले तो उस घर में बरकत नहीं होती है। अपने औरतों को सबक दें, वो अपने शोहर के लिए सजे सवरे। अगर वो औरत घर से निकली पायल पहनकर, उस पायल की आवाज़ कोई दूसरा मर्द अगर सुन ले तो उस घर में बरकत कभी नाजिल नहीं होती है। और उसके बाद उस मर्द का, उस मर्द की कोई भी दुआ कबूल नहीं होती है। जिस घर की औरतों के पायल की आवाज़ दूसरा मर्द सुने, उस घर के मर्द की दुआ कबूल नहीं होती है। इस्लाम ने कितना बड़ा सबक दिया हमें, छोटा सा, सोचने में छोटा ही है ना, मगर इससे कितना बड़ा सबक मिल रहा है। तो मुझे बताइए, अगर अपने घर की औरतों की आवाज़, पायल की आवाज़ दूसरा सुने, दुआ कबूल नहीं होती है, तो मुझे बताइए मुसलमानों, अगर हम शराब पियेंगे, जुआ खेलेंगे, लोगों पर जुल्म करेंगे, तो हमारी दुआ कहाँ से कबूल होगी।